हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी हैप्पी विंटर सोल्स्टिस एंड वेरी हैप्पी जायंट शिफ्ट 2112। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, वेरी हैप्पी। मुझे बहुत सारे गूज़बम्स हो रहे हैं और इसकी तैयारी में हमारे इस चैनल पे आप लोगों के साथ बहुत टाइम से कर रही थी। ओके, ओवरऑल इन द इवनिंग दिन भर के सारे सेशंस लेने के बाद, सारा काम करने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिव हूँ, बिकॉज खासियत इस शिफ्ट की है, दिस इज़ द वेरी पावरफुल शिफ्ट, राइट। एक ग्रेट शिफ्ट है जहाँ से हमारी न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, हमारी न्यू टाइमलाइन शुरू होने वाली है, और जहाँ न्यू साइकिल शुरू होती है वहाँ ओल्ड साइकिल ख़त्म होती है, ठीक है। ये एक लार्जेस्ट, जो विंटर सोल्स्टिस का मतलब होता है, एक लार्जेस्ट नाइट होती है, यहाँ से ये रात सबसे लंबी होती है। और देखा जाए रात से हमको याद आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो फिर मैं खुश क्यों हूँ, बिकॉज जब एक न्यू साइकिल ओपन होती है, न्यू चेंजेस, नो न्यू स्पिरिट, न्यू वाइब्रेशन, न्यू फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, तो फिर कुछ ओल्ड पीछे छूटने वाला होता है। एंड इसको अगर आप पॉजिटिवली लेते हैं तो आप खुश होते हैं। अगर आप लेट गो की एनर्जी में रहते हो, जो भी पीछे आपके ब्लॉकेजेस थे आपने समझ लिया, अपने पे काम कर लिया, उनको छोड़ दिया, ऑल द ट्रिगर्स, ऑल द बॉदरिंग्स, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे चीज़ों को जो भी आपको सर्व नहीं कर रहे थे, सब ओल्ड ब्लॉक्स को, ओल्ड पैसिव एनर्जी को अगर आपने पीछे छोड़ दिया है, रेडी फॉर टैपिंग इन टू द न्यू साइकिल, न्यू टाइमलाइन, न्यू वाइब्रेशंस, ठीक है, सो यू हैव बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अब देखा जाए तो जो 5D टाइमलाइन पे वही लोग टैपिंग कर सकते हैं जो कि 3D की जो टाइमलाइन थी उसको छोड़ चुके हैं, मतलब डुअलिटी, मतलब इल्यूजन, ऑल फियर की एनर्जी, फियर बेस्ड एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी, कंप्लेनिंग एनर्जी, डुअलिटी मतलब गुड बैड, कुछ 5D में कुछ गुड नहीं है, कुछ बैड नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। अब सच बात जो आप लोग पहली बार सुनेंगे कि अब तक हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अब हमारी मदर अर्थ ऑलरेडी इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से वाइब्रेट कर रही है कि अब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज यहाँ नहीं सर्व कर सकती हैं, और दैट इज़ द रीज़न वो सारे लोगों का अब काम तमाम होने वाला है, दोज हु आर ऑपरेटिंग विद द लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, फ्रॉड, फेक, ठीक है, या गलत काम करने वाले, इस प्रकार से क्राइम, ठीक है, या गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत बातें करना, गलत अफवाहें फैलाना, जो इस प्रकार की एनर्जीज वाले, लो वाइब्रेशन एनर्जीज वाले लोग अब यहाँ इस प्लैनेट अर्थ पे सर्व नहीं करेंगे। यू विल सी द चेंजेस, ठीक है। तो 5D जो टाइमलाइन हमारी चालू हुई है, जो हमारी 5D अर्थ में शिफ्टिंग हुई है, एक जाइंट शिफ्टिंग हुई है, तो यहाँ पर कोई भी, देर इज नो स्पेस फॉर इल्यूजन। जैसे हम लोग 3D में कहते हैं द 3D इज अ इल्यूजन, सो देर इज नो प्लेस फॉर इल्यूजन, नो डुअलिटी, नो फियर, नो आपके पास बैगेजेस, नो गार्बेजेस, नो गुड, नो बैड, ओके, ओनली एक ही चीज है, अनकंडीशनल लव, ओके, अनकंडीशनल लव, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, लव की एनर्जी, ओनली गॉड्स एनर्जी, अगर मैं इन वन वर्ड कहूँ, गॉड्स एनर्जी, एंजेलिक एनर्जी, बस। बट थिंग इज दिस कि ये हमें समझ में कैसे आएगा कि हम 5D टाइमलाइन में टैप इन कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से बताती हूँ, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, वो अपने माता पिता का DNA अपने साथ लेके आते हैं, राइट, तो उनको नहीं इतना प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तब वो जो भी DNA है उनका, वो उसी बिलीफ सिस्टम में ग्रो होते हैं। बट आपके एक, अगर आप 18 साल के हो गए, या आप 40 साल के हो गए, या आप 50 साल के हो गए, और आपके
18, 20, 50, 40 साल का जो ये शरीर है और इस शरीर के पूरे पुराने डीएनए को 360 डिग्री चेंज करना पड़े, एक नई ह्यूमन डीएनए में रिस्टोर करना पड़े, ट्रांसफॉर्म करना पड़े, मतलब एक अच्छी खासे बड़े शरीर में, वेदर इट इज़ मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, एक नए न्यू फ्रेश डीएनए में कन्वर्ट करना पड़े लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, क्या होता है? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड इसीलिए तो हमें ये अवेकनिंग प्रोसेस मिली है कि जिस इस दैट इज़ कॉल्ड द रीबर्थ, कि हमको रीबर्थ चाहे कभी भी जिस भी स्टेज में हुआ हो, हमको इस ओल्ड बॉडी में नए डीएनए को एक्टिव करना है। एंड जो ये शिफ्ट्स होते हैं, ये आपके वही जाइंट डीएनए एक्टिवेशन के टाइम का ये टाइम होता है, जाइंट शिफ्ट्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, ये आपके ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे बॉडी में वो सारे जो डीएनए होते हैं, जो ओल्ड डीएनए हमारे ख़त्म हो जाते हैं और नए डीएनए एक्टिवेशंस हो जाते हैं, ओल्ड डीएनए डिसअपीयर हो जाते हैं और हम लोग कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और हमको फिर क्यों लगता है कि यार पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ, मुझे 3D के लोग सूट नहीं करते हैं, मैं 5D किट में अनकंडीशन लव के एनर्जी में रहती हूँ, मैं पहले गॉसिप करती थी, अब मैं नहीं कर सकती, पहले मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाती थी, अब मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, नाउ आई एम फीलिंग, आई एम रियलाइजिंग दैट आई एम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ये कैसे हुआ, ये पता ही नहीं चला आपको कि कब आपकी ह्यूमन, अपनी ह्यूमन बॉडी में एक नई एनर्जी एम्बॉडीमेंट हो गया, उसका आपकी बॉडी चेंज हो गई। और कब हुआ ये सब, ये सब तब हुआ जब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मैम लाइक बहुत ज़्यादा लो बैक में पेन कर रहा है, यहाँ गर्म लग रहा है, ये चक्रा वाइब्रेट हो रहा है, वो बहुत सारे असेंशन सिम्टम्स आपको फील हो रहे थे, थर्ड आई में एक्टिवेशन फील हो रहा है, चक्रास में एक्टिवेशन फील हो रहा है, क्राउन चक्रा ओपनिंग हो रही है, गर्म गर्म लग रहा है, सारी जो याद करी सारे जो असेंशन सिम्टम्स थे उस वक्त, जो भी आप लोग लाइट कोर्स रिसीव करते थे, आपको बुखार जैसा लगता था, आपकी भूख प्यास कभी मिट गई थी, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो आपकी डिस्टर्ब नाइट थी, कभी आप बहुत डिस्टर्ब नाइट थी, वो सारी प्रिपरेशन आपकी हो रही थी, आपको तैयार किया जा रहा था इस 5D न्यू अर्थ के लिए, इस 5D न्यू टाइमलाइन के लिए। सो अल्टीमेटली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग 5D टाइमलाइन पे पहुंच गए, टैप इन कर चुके हैं, राइट? मैं तो कर चुकी हूँ, आप लोग खुद से पूछिए कि क्या आप ओल्ड एनर्जीज को लेट गो करने के लिए तैयार हैं, क्या आप न्यू एनर्जीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, आर यू वाइब्रेटिंग विद द न्यू पॉजिटिव एनर्जीज, आर यू वाइब्रेटिंग विद द डिवाइन एनर्जी, आर यू वाइब्रेटिंग विद द अनकंडीशनल लव की एनर्जी, आर यू वाइब्रेटिंग विद द एनर्जी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड, आर यू वाइब्रेटिंग विद द एनर्जी ऑफ सर्विस एंड लव। If your answer is yes, आप भी टैप इन कर चुके हो, ठीक है? कोई नीडिनेस की एनर्जी नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ग्रीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस है, ओनली जॉय एंड हैप्पीनेस। एंड बिगिन योर न्यू ईयर विद दिस ग्रेट एनर्जी, राइट? ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए, हर पल हर क्षण ग्रैटिट्यूड के मोड में रहिए, बिल्कुल, देर इज इन 5D देर इज़ नो प्लेस फॉर लो वाइब्रेशन एनर्जीज, लो एनर्जीज यहाँ सर्व नहीं करेंगी। एंड प्रैक्टिस, ठीक है, जिस प्रकार से आप अपनी बॉडी में इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, यू नो हमको एहसास कब होगा, अभी तो हमें मैम हमें एहसास हो ही नहीं रहा है, व्हेन यू विल प्रैक्टिस दिस एवरी डे, मेक योर बॉडी फील लाइटर एंड हैप्पी, जब आप हर दिन अपने आप को हैप्पी महसूस करने की प्रैक्टिस करेंगे, आप ऐसे अफर्मेशंस गॉड को सेंड कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहे हैं, आप 5D की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की एनर्जी में आप हो, अगर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो और हर वक्त इसी एनर्जी में रहने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी बॉडी बहुत लाइटर फील करेगी, आपकी बॉडी हैप्पी फील करेगी, और ये जो आपका एग्जिस्टेंस 5D टाइमलाइन में ये कंफर्म करेगा, यस यू हैव ऑलरेडी बीन
टैप्ड इन 5D टाइमलाइन, ये आपके एग्जिस्टेंस को मजबूत बनाएगा. दिस विल गिव मोर क्लैरिटी टू योर हायर सेल्फ, ठीक है. एंड डेफिनेटली देन यू विल रेडिएट विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स एनर्जी, ठीक है. सो यू मस्ट एम्ब्रेस दिस चेंज, एंड दैट इज द रीजन. अगर आज की शिफ्ट से, इस जाइंट शिफ्ट से अगर आप इस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप लिख लो आपका आने वाला जो न्यू ईयर है 2022 विल बी द बेस्टेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ. और उसके बाद हम लोग को देर इज नो यू टर्न, क्योंकि उसके बाद हमारी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस अबंडेंस एंड जॉय होगा. बिकॉज 5D पर टैप इन करने के बाद 3D के लिए कोई यू टर्न नहीं होता है. तो जो लोग अभी इस वक्त नेगेटिव एनर्जी को फील हो रहे हैं, डोंट वरी, आपकी बॉडी बिल्कुल एम्बॉडीमेंट हो रहा है आपकी बॉडी में न्यू टाइमलाइन का. वो मैस हट रहा है, राइट, एज इफ जैसे ही आपका ये मैस हट जाएगा, न्यू कंस्ट्रक्टिव 5D टाइमलाइन को आप खुद फील करेंगे. ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखिए.